सिवाना कस्बे के अंबेडकर चौराहे पर शनिवार को अंबेडकर विकास संस्थान के तत्वावधान में कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों ने कैंडल मार्च के माध्यम से उत्तर प्रदेश के आगरा में दिन दहाड़े पेट्रोल छिड़क कर जलाई गई 10वीं कक्षा की मासूम बालिका संजली को इंसाफ दिलाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और मासूम संजली के हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। सिवाना से कमरुद्दीन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर, जहां कुछ दिन पहले असामाजिक तत्वों ने दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देते हुए 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा संजली को सरेआम पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना के खिलाफ जहां पूरे देश में विरोध की लहर उठ रही है, वहीं सिवाना कस्बे में शनिवार को कैंडल मार्च निकालकर बालिका के लिए इंसाफ की मांग की गई। सिवाना कस्बे के अम्बेडकर चौराहे पर अम्बेडकर विकास संस्था के तत्वावधान में शनिवार को कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने यूपी के गुंडाराज में बेटियों को इस तरह जिंदा जला देने वाली और मानव समाज को कलंकित करने वाली घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की। लोगों ने संजली के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के साथ ही फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर संजली को श्रद्धांजलि दी गई। कैंडल मार्च को लेकर अम्बेडकर संस्था के अध्यक्ष अखिलेश परियार, हनुमान बोध, ओम प्रकाश नाभा, नवीन सोलंकी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुजाराम निजाम खान, थानाराम रमेश राणा, दलपत कुमार, नरपत दमाराम सिद्धार्थ सहित बड़ी संख्या में कस्बेवासी मौजूद रहे।